जय माता दी। दोस्तों, मैं रितु शुक्ला आपको अपनी रसोई में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए शादियों में खाए जाने वाले आलू पटल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसके लिए मैंने पटल को इस तरीके से काटा है और आलू को मैंने बॉईल किया था, उसे भी मैंने काट लिया है। एक पटल को काट कर मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपको किस तरीके से काटना है। ये मैंने इसके आगे पीछे का हिस्से को निकाल दिया है। अब हम इसे चाकू की सहायता से हल्के हाथों से इस तरीके से छीलेंगे ताकि इसके ऊपर की स्किन हट जाए। अब हम इसे बीच से काटेंगे इस तरीके से। अब हम इसके और दो टुकड़े करेंगे। दोस्तों देखिए, मैंने इस तरीके से इसके बीच में चीरा लगाया है, आप भी जरूर से लगाइएगा, क्योंकि इस तरीके से चीरा लगाने से पटल बहुत जल्दी गल जाता है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। ग्रेवी इसके अंदर तक बहुत अच्छी तरीके से जाती है, एक बार आप जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही चटपटी सब्जी बनने वाली है, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है। दोस्तों मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ, आप अपनी पसंद के किसी भी तेल में बना सकते हैं, पर सरसों तेल में इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये देखिए दोस्तों, तेल गर्म हो चुका है। अब हम पटल को इसमें डालकर सैलो फ्राई करेंगे। हमें गोल्डन ब्राउन करना है इसे, हम डीप फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना है। ये देखिए दोस्तों, हमें बस इतना ही फ्राई करना था इसे। अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है आलू पटल की, अगर आपको पसंद होगी तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से हम इसमें बॉइल्ड आलू को भी गोल्डन ब्राउन करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है, और फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से कीजिएगा। हमारे चैनल पे बहुत सारी रेसिपियाँ हैं, एक बार जाकर जरूर ट्राई कीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये आलू भी पक चुका है, अब हम इसे भी निकाल लेंगे प्लेट में। दोस्तों आलू पटल की सब्जी वाकई में बहुत स्वादिष्ट बनती है और मैंने बहुत कम मसालों के साथ बनाया, आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपकी सब्जी भी बहुत टेस्टी बनने वाली है। आप देखिएगा मैंने कितने कम मसालों को डाला है। ये देखिए मैंने तेल डाल दिया, अब हम तेल को थोड़ा गर्म करेंगे। ये तेल गर्म हो चुका है दोस्तों, मैंने इसमें दो लाल मिर्च डाली है, दो तेज पत्ते डाले हैं और आधा चम्मच जीरा डालूंगी मैं इसमें। ये हींग पाउडर है, आप हींग डालने की कोशिश कीजिएगा, अगर हींग डालेगा तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। दोस्तों देखिए, मैंने दो टमाटर, एक प्याज, चार पांच, देखिए दोस्तों मैंने इसमें काश्मीरी मिर्च डाली है और तुरंत ही मैंने मसाले को डाल दिया है। मैंने मसाले में दो टमाटर, एक प्याज, चार पांच हरी मिर्च, एक इंच अदरक का टुकड़ा और 8-9 लहसुन की कलियाँ डाली हैं। मैं एक बार आपको फिर से बता दे रही हूँ, इसमें टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक और मिर्च का पेस्ट था और मैंने तेल में काश्मीरी मिर्च को पहले पकाया फिर इसे डाला है। काश्मीरी मिर्च डालते साथ आप मसाले को डाल दीजिएगा। मैं इसमें ऊपर से ये एक प्याज काट कर डालूंगी, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। इसमें प्याज बहुत क्रंची लगेंगे आपको। देखिए दोस्तों, अब बहुत कम मसालों के साथ इसे बनाऊंगी। मैंने ये हल्दी डाली है आधे चम्मच और मैंने ये 1.5 चम्मच धनिया पाउडर डाला, बस इन दो मसालों के साथ ही मैं बनाने वाली हूँ। दोस्तों मुझे हल्दी कम लग रही थी तो मैंने थोड़ी सी और ली है बाद में। ये देखिए दोस्तों, मसालों को अच्छी तरीके से भुनना है। अब हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से पकाएंगे पानी में। हमारे आलू तो पहले से बॉइल्ड है दोस्तों, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसे पकने में, और पटल को थोड़ा पकाना पड़ेगा, तो इस मसाले के साथ हम पटल को भुनेंगे और आलू को हम बाद में डालेंगे। और कुछ आलू को मैंने मैश करके अलग रखा है, आपको मैं बता रही हूँ कि वो कैसे डालने हैं आपको। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से पटल को आपको ग्रेवी में डाल देना है।
बहुत टेस्टी सब्जी बनती है दोस्तों, एक बार आप इस तरीके से बनाकर देखिएगा जिस तरीके से मैंने बनाई है, और कमेंट करके बताइएगा कैसी बनी थी। देखिए दोस्तों ये कितनी अच्छी लग रही है। ये देखिए दोस्तों मैं काट कर देख रही हूँ हुआ है कि नहीं, अभी ये और पकेगा। देखिए दोस्तों कितनी अच्छी ग्रेवी लग रही है इसकी और कितना टेस्टी लग रहा है देखने से। अब हम इसे ढककर पकाएंगे क्योंकि हमें पटल को बहुत अच्छे तरीके से पकाना है। अब हम खोल कर देख रहे हैं ये पटल हुआ है कि नहीं। ये देखिए दोस्तों ये आलू को मैंने मैश करके अलग रखा था, इसे मैं इसमें डाल रही हूँ, इससे ग्रेवी बहुत ही थिक और बहुत ही टेस्टी बनेगी। आप भी एक या दो आलू को इस तरीके से मैश करके अलग से रखिएगा और उसे इस तरीके से भुनिएगा, बहुत टेस्टी आपकी रेसिपी बनेगी, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसमें पानी डालूंगी, आपको ग्रेवी जितनी रखनी है आप अपने हिसाब से रखिएगा। मैंने इसमें बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखी थी और बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं था, मैंने मीडियम में रखा था, आप अपने हिसाब से रखिएगा जितनी आपको खानी होगी। ये देखिए दोस्तों अब मैं आलू को भी इसमें डाल दूंगी जो हमने सैलो फ्राई किए थे। देखिए दोस्तों कितनी अच्छी लग रही है सब्जी। अब मैं इसमें नमक डालूंगी, आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। ये देखिए दोस्तों अब हम इसे ढक के अच्छी तरीके से पकाएंगे। इसे आप रोटी के साथ, पूरी के साथ, चावल के साथ, किसी चीज के भी साथ खाइएगा, आपको बहुत ही टेस्टी लगने वाली है और आपको लगेगा कि आप किसी पार्टी में बैठकर खा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों मैं आपको पटल दिखा रही हूँ हुआ है कि नहीं। ये देखिए अच्छी तरीके से गल चुका है, अब हमारी सब्जी बनकर तैयार है। देखिए ये किस तरीके से लग रही है। तो आइए हम इसे एक प्लेट में सर्व करते हैं। ये हमने एक प्लेट में सर्व किया है दोस्तों, बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी। आलू पटल की सब्जी मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपको भी अच्छी लगती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और एक लाइक जरूर करिएगा। ये देखिए दोस्तों हमने बहुत अच्छी तरीके से सर्व किया है इसे। दोस्तों हमारे चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियो हैं, बहुत सारी रेसिपी है, एक बार जाकर जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। हमारे पूरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आगे किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। जय माता दी।